राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है एम टू सोलो ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मैं। दोस्तों, भारत भूमि को चमत्कार और इतिहास की धरती माना जाता है। यहाँ न जाने कितनी बार भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास का अटूट संबंध देखने को मिलता है। इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक राजस्थान के एक फेमस धार्मिक स्थल पे, जहाँ पे देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी 85 दिन बाद खुल चुका है और लोग यहाँ पर रोज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने आने वाले हैं। और आज से यहाँ पर फागुन मेला भी शुरू हो चुका है, जिसकी रौनक देखने को बनती है। और यहाँ पर जो है पैर रखने की जगह नहीं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। यहाँ के मैं संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू करी थी मैंने अपनी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को करीब 11:30 बजे। दिखाता हूँ आपको आगे का, और आगे का सफ़र दिखाता हूँ आपको पूरा। चलते आगे, देखते हैं। बोले हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जिसका कोड है DLI। यहीं से अपनी रात को 11:30 बजे ट्रेन है, यानी कि 11:30 PM, जो कि हमें सुबह 7 बजे यानी कि 7 AM रिंगस उतारेगी, जिसका कोड है RGS। और ये जो ट्रेन है इसका नाम है सैनिक एक्सप्रेस, दिल्ली से जयपुर तक के लिए चलती है। इसका नंबर है ट्रेन नंबर 19702। टोटल जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी 346 किलोमीटर्स की। और इसमें जो है टोटल 18 स्टेशन आने वाले, 18 स्टेशन, जिसमें 18 स्टेशन जो है अपना रिंगस का है। और इसमें जो हमें टोटल जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 7 आवर्स का। बाकी इसके अलावा दिन में 2 ट्रेनें और चलती हैं जो डेली हैं, उसके अलावा डे वाइज ट्रेन है, जो कि आप IRCTC पे चेक कर सकते हैं। स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, जैसा भी आपका बजट हो, टाइम हो, जिस टाइम पे आप जाना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। किसी भी समय अपनी ट्रेन आ सकती है। दिखा तो आपको सबसे पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का सुंदर नज़ारा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा वो रहेगा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जिसके गेट नंबर 3 से आप बाहर एग्जिट करेंगे। बाहर एग्जिट करते ही टिकट काउंटर है, और वहीं से आप अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाएंगे। अगर आपकी ट्रेन लेट है या आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे वेटिंग रूम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जो है 10 रुपीज़ पर आवर में आप आराम से वेट कर सकते हैं। बाकी 5 रुपीज़ पर आवर जो है वो बच्चों का लगेगा और 10 रुपीज़ बड़ों का। दिखाता हूँ आपको सारा आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और चलते आगे का सफ़र दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, इस समय मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और ये आप देख रहे हैं रात का नज़ारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का, बहुत ही सुंदर। और सामने आप देख रहे हैं टिकट काउंटर्स बिल्कुल बाहरी हैं, और ये आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई यहाँ पे टिकट्स के लिए। आप सामने देख रहे हैं अपर क्लास एसी वेटिंग हॉल, और यहाँ पर जो है अंदर एसी अपना सेटिंग है खाली, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर चार्जेस दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के अंदर वेटिंग हॉल अवेलेबल है, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। अंदर वॉशरूम अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं ओनली 10 रुपीज़ पर आवर। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसेप्शन है बिल्कुल, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 10 रुपीज़ पर आवर पर पर्सन, और चाइल्ड का 5 रुपीज़। और दोस्तों, ये आ रही अपनी ट्रेन, और ये देख रहे हैं आप जनरल में क्या भीड़ हो रही है ज़बरदस्त। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन या फिर बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपना स्लीपर बुक करके आइएगा। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी पहुँचने के लिए मैंने रीगस से जो है अपना बस पकड़ी थी, जिसने लिया 30 रुपीज़ चार्जेस। रीगस से अपना खाटू श्याम जी जो है टोटल 17 किलोमीटर है, और आधे घंटे का टाइम लगता है यहाँ पे पहुँचने के लिए। और रास्ते में आप देखेंगे रीगस से ही लोग
पैदल यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी आते हैं और हाथों में झंडे लेके नाचते झूमते हुए आते हैं, जयकारे लगाते हुए आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते आगे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और ये देख रहे हैं आप बाबा का मेन एंट्री गेट, जय श्री श्याम। और नीचे उनके भगत जन देख रहे हैं मजे करते हुए। ये देखिए बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए। और ये देखिए बच्चे की पालकी भी सजा रखी है। देखिए यहाँ पे भगत लोग होली खेलते हुए, रंगों की होली गुलाल से खेलते हुए देख रहे आप। और जबरदस्त नज़ारा देख रहे आप। ये देखिए तो दोस्तों जो ये एंट्री गेट है इसी पे ही बस स्टैंड है। ये रहा आपको बस अड्डा, इस सामने आप देख रहे हो वो आपको बस अड्डा है। वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी और रिगस से जो बस लाएगी वो भी आपको यहीं पे छोड़ेगी। यहाँ से जो है फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे जो है कुछ भी अभी रिक्शा भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी अपनी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूँ प्राचीन श्याम कुंड। यहीं से खाटू श्याम जी, भगवान खाटू श्याम का सर उत्पन्न हुआ था और यहाँ पर कुंड है। यहीं से लोग नहाकर आगे खाटू श्याम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखे क्या भीड़ है, जबरदस्त भीड़ आई हुई है और रिंगस से लगातार लोग थे पैदल चलते हुए, कंटिन्यू पैदल आ रहे थे वहां से झंडे हाथ में लेके। हम पहुंच चुके हैं कुंड पे जहां पे आप स्नान कर सकते हैं, दिखाता हूं आपको। और ये देख रहे हैं आप कुंड में स्नान करते हुए भक्तों को, और यहीं से स्नान करके लोग फिर बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप श्याम कुंड। यहाँ पर अगर आप स्नान नहीं कर रहे कम से पानी जरूर छिड़क के जाइएगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है उसकी सारी थकावट यहाँ आके दूर हो गई। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे स्नान करते हुए मजे करते हुए। शीश के दानी की जय। और पानी ज़्यादा गहरा नहीं है देख रहे आप। तो दोस्तों ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा है इस श्याम कुंड के बारे में। यहाँ का जो जल है वो अमृत के समान है, इसमें स्नान करते ही सारे कष्ट और संकट सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
ये देख रहे आप पूरी, आप यहाँ पे इसके बारे में कथा पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ बाहर आप लोगों को स्नान करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप खाटू श्याम आते सीधा श्याम कुंडा जी यहीं पर स्नान करके फिर बाबा के दर्शन करने जाना, पहले बाबा के दर्शन मत करना। यहाँ से आप जब पवित्र हो जाएंगे जैसे गंगा मैया में हम डुबकी लगा के हरिद्वार में फिर माँ के दर्शन करने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही आप बाबा के दर्शन करने जाइएगा। दिखाता हूँ और आपको आगे, ये देखिए सब लोग मजे करते हुए क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और मज़ा बहुत आ रहा है स्नान का। और यहाँ पे लगातार जयकारे भी लग रहे हैं खाटू बाबा के। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ खाटू बाबा के दर्शन कराने, ये था श्याम कुंड, अब आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। लेकिन स्नान करे बिना मत जाना, मज़ा आ जाएगा स्नान करके और जो संतुष्टि मिलेगी वो अलग आनंद आ जाएगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बाबा के दर्शन कराने, दिखाता हूँ रास्ते में क्या भीड़ हो रही ज़बरदस्त। देखिए क्या ज़बरदस्त भीड़ जा रही है और बाबा के भगत जो है कंटिन्यू लगातार आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, ये देखिए। और ये आप देख रहे हैं यहाँ का मार्केट, कंटिन्यू लोग चल रहे हैं कंटिन्यू, जरा सा भी जगह नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ये देखिए इतना सुंदर सुंदर हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए झंडे ही झंडे, जय देखिए दोस्तों इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्ति है खाटू बाबा की, देखिए सुंदर सुंदर आप आपको मूर्ति मिलेगी ले जाने के लिए घर पे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बाबा के दरबार, ये देख रहे हैं जो नया दरबार बना है बाबा का सामने, आप अंदर अंदर तो दर्शन होंगे नहीं, बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। जय हो श्याम बाबा की, जय हो खाटू बाबा की, राम से राम से राम से राम से, जय हो जय बाबा की। चलो 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 चलते रहो, चलो सब एक जगह मिलोगे। जय हो खाटू नरेश की, जय बाबा खाटू नरेश की। भक्त आएगा बाबा
श्री श्याम, जय हो, जय बाबा की। अच्छा वही वही चीज से सजे फ्रंट पे होते थे। और ये सामने देख रहे हैं आप बाबा का दरबार, खाटू बाबा का दरबार। ये देख रहे हैं दोस्तों, सामने प्रसाद की दुकान है, वहाँ पे जो आपको पेड़े का प्रसाद 400 से लेकर 500 के बीच में मिल जाएगा, और बाकी छोटे छोटे जैसे मिश्री विश्री के प्रसाद है वो 100-100 रुपये के पैकेट है, 200 रुपये के पैकेट है, जो उस अकॉर्डिंग आप लेना चाहें उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और बाकी आप ये देख रहे हैं, देखिए धागा बांध रहे पेड़ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों की बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, जैकेट है, और ये किशन जी वाली ड्रेस है, सामने छोटी छोटी फ्रॉक है, देख आप बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों ब्लॉग ख़त्म करने का समय आ चुका है, इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप खाटू श्याम जी कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। शाम को नहाना आप ज़रूर, उसके बाद ही आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना, मज़ा आ जाएगा जब आप श्याम कुट पर डुबकी लगाएंगे, क्योंकि मेन जो है श्याम कुट है, वहीं से खाटू बाबा का सर उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद जो है खाटू श्याम जी का मंदिर बना था, और खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही सुंदर बन चुका है, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है डिस्टेंस बढ़ा दिया है, यानी कि काफ़ी घूम के आपको जो है मंदिर तक पहुँचना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी दर्शन जो है फटाफट हो रहे हैं, क्योंकि वो रुकने ही नहीं दे रहे हैं, आप 5 सेकंड भी वहाँ नहीं रुक पाएंगे, एकदम से धक्का मार के आपको बाहर कर रहे हैं। तो और कोई क्वेरी होती है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मिलता मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।